बीजेपी सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव एवं उनकी पत्नी अनुराधा सिंह यादव राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। बीजेपी सांसद के अयोध्या पहुंचने पर हनुमानगढ़ी के महंत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कृष्णपाल सिंह यादव ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कृष्णपाल सिंह यादव ने कहा कि वे यहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल और महंगाई के सवाल पर कहा कि हर सरकार में महंगाई तो आती जाती रहती है। इसके साथ ही लॉकडाउन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहा, सभी लोगों को सरकार ने फ्री में राशन बांटने का कार्य किया है। अगर थोड़ी महंगाई हुई है तो सभी लोग इसको आसानी से सह लेंगे। इस मौके पर हनुमानगढ़ी के तमाम संत और महंत मौजूद रहे। देखिए, हम सब भारतीय हैं पहली बात तो, और चाहे किसी की कोई भी पार्टी रही हो, मतभेद हमारे हो सकते हैं पर मनभेद हमारे नहीं होते। हम सभी का एक ही ध्येय होता है कि कैसे हम लोगों की सेवा कर सकें, कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। जब वो किसी और पार्टी में थे तब हो सकता है उस पार्टी की विचारधारा को लेकर वो चलते हों, लेकिन आज हम एक ही पार्टी में हैं, हमारी विचारधारा एक है, जनसेवा के उद्देश्य हम लोगों ने राजनीति ज्वाइन की है, तो जरूर हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश के बेहतरी के लिए हम सदा काम करते रहें। जिस तरीके से देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम एक दिन में नहीं बढ़े हैं या आज नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमें, मैं वही कहता हूँ कि अगर हमें बात करनी चाहिए तो हमें ये बात करना चाहिए कि इस कोरोना महामारी में भी कितने लोगों को सरकार ने एक रुपए किलो अनाज पहुँचाया, कितने लोगों को फ्री में अनाज पहुँचाया। कृष्ण पाल ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत केवल केंद्र सरकार ही तय नहीं करती, राज्य सरकार भी पेट्रोल डीजल की कीमत तय करती है। साथ ही ये भी कहा कि जहां विपक्ष की सरकार है वो चाहे तो अपने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दे।